परीक्षा में पेपर लीक का मास्टरमाइंड है राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीए पास है बत्तीलाल मीणा, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी बताया जा रहा है। बत्तीलाल मीणा के बारे में तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वो खुद को कांग्रेस युवा नेता लिखता था, यानी कि बत्तीलाल मीणा खुद को कांग्रेस का युवा नेता क्लेम करता था। कई फोटो में वो कांग्रेस विधायकों और नेताओं के साथ नजर भी आया। राजकीय माध्यमिक विद्यालय एचेर में विधायक प्रतिनिधि के तौर पर वो नियुक्त था। खंडार विधायक अशोक बैरवा की ओर से उन्हें नियुक्त किया गया था। सवाईमाधोपुर एनएसयूआई जिलाध्यक्ष का वो चचेरा भाई है। आरोप है कि रीट परीक्षा का पेपर मास्टरमाइंड बत्तीलाल विकास मीणा ने नेटबंदी से पहले ही ये पेपर ले लिया था। किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं फोनलाइन पर। किरोड़ी लाल मीणा जी, जी राजस्थान में आपका स्वागत है। सवाल यही कि बत्तीलाल मीणा जिसकी तलाश हो रही थी और इस पूरे मामले को लेकर आप भी लगातार मुखर रहे हैं, अभ्यर्थियों की आवाज बनते नजर आए हैं, इस गिरफ्तारी को पहले किस तरीके से आप देखते हैं, ये समझेंगे आपसे। देखो, इतना बड़ा लवाजमा राजस्थान महसूस जी एटीएस का है और एक छोटा सा प्यादा बत्तीलाल 15 दिन बाद गिरफ्तार हुआ है। और मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि इसमें सरकार का हाथ है, बड़े लोगों का हाथ है। और मैंने सीधा आरोप लगाया था जो बोर्ड के अध्यक्ष जारोली है और डॉक्टर पारासर पर, उन्होंने प्राइवेट लोगों को लगाकर ये केवल बत्तीलाल तक ही नहीं पूरे राजस्थान में पेपर को लीक किया, यहाँ तक आंसर शीट लीक की। ये बत्तीलाल बड़ा अच्छा है, पकड़ा है, लेकिन आगे जाके लाइन बंद हो जाएगी। जब बड़े हाथ निकलेंगे तब ऐसो जी उन पर हाथ नहीं डालेगी। इसलिए मैं फिर मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि ये मामला सीबीआई को दिया जाए ताकि एक अच्छा ऑपरेशन हो, बार बार राजस्थान में पेपर लीकों की पुनरावृत्ति खत्म हो। ये तो छोटा सा पैदा है, मैंने जो चार्ज लगाया था आज तक 5-6 दिन पहले जो मैंने बोर्ड के अध्यक्ष पर और प्राइवेट लोगों को जिनको नियुक्त किया था, जो प्राइवेट कोऑर्डिनेटर नहीं बन सकता, सरकारी अधिकारी कर्मचारी कोऑर्डिनेटर बनता है, उनके जरिए पेपर लीक हुआ, उनको आज तक पूछा नहीं गया, उनको इंटरोगेट नहीं किया गया। तो वो ये स्पष्ट है, मेरी शंका है कि सरकार इस मामले को एक स्टेज पर ले जाकर बंद कर देगी जैसे ही बड़े दाम आएंगे। मीणा जी, आपसे सवाल ये भी जानना चाहेंगे, याद है हमें कि जब आपने इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उस वक्त आपने दो महत्वपूर्ण बातें कही थी। एक बात आपने ये कही थी कि जब इसकी जांच आगे बढ़ेगी तो घूम फिर कर वो लक्ष्मणगढ़ तक वो जांच पहुंचेगी। दूसरी बात आपने कहा था कि कुछ ऐसे नाम है जिनका मैं आने वाले समय में जिक्र करूंगा, अभी अगर मैंने नाम का खुलासा किया तो वो पकड़ से बाहर चला जाएगा। अब चूंकि बत्तीलाल पकड़ में आ चुका है, आपको लगता है कि उन नामों का खुलासा अब आपको कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, एक बार इनका इनका जो है बत्तीलाल की एक बार इंट्रोगेशन होने दो, वो क्या कहता है, क्या बताता है, फिर मैं खुलासा करूंगा। और ऐसे खुलासे प्रमाण के साथ करूंगा जिससे सरकार की हिम्मत नहीं पड़ेगी प्रकरण को दबा दे। तो आप जिन नामों के खुलासे का दावा कर रहे हैं, क्या बत्तीलाल के ऊपर यानी बत्तीलाल उनके संरक्षण में ये सब कुछ कर रहा था या फिर कहीं कुछ और लिंकअप आप देख पाए हैं अभी तक? में बत्तीलाल तो इसमें है ही, लेकिन बत्तीलाल के बाद में एक और है और एक उसके बाद बहुत बड़ा एक व्यक्ति है। अगर वो उसकी तरफ ऐसो जी नहीं गई तो मैं खुलासा करूंगा। आपने जो बातें कही थी कि जांच लक्ष्मणगढ़ तक पहुंचेगी, तो अगर सियासी तौर पर इसके कनेक्शंस को समझने की कोशिश करें तो बहुत कुछ स्पष्ट नजर आता है, किस तरीके से आप उस अपने बयान को इस वक्त रखेंगे? मतलब लक्ष्मणगढ़ का मतलब ये नहीं है कि मैं शिक्षा मंत्री पर आरोप लगा रहा हूँ। लक्ष्मणगढ़ का मतलब सीकर का मतलब और भी है जो मैं बाद में खुलासा करूंगा। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया किरोड़ी लाल मीणा जी हमसे बातचीत करने के लिए। और आपने सुना कि किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सांसद दावा कर रहे हैं कि जल्द ही वो बड़ा खुलासा करेंगे। तो बत्तीलाल की गिरफ्तारी हुई है, केदारनाथ से पकड़ा गया है और उसकी गिरफ्तारी के बाद अब जैसा मैंने बार बार कहा कि एक तरफ अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि जो पेपर लीक मामले का तथा कथित पेपर लीक की बातें कही जा रही थी उसमें कुछ स्पष्टता आएगी, दूसरी तरफ सियासत भी जोर पकड़ती जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले
किरोड़ी लाल मेड़ा को आपने सुना। अब आशुतोष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बत्तीलाल की गिरफ्तारी को लेकर जो है तमाम जानकारियां आपने साझा की थी, अब जो है इस पर सियासत जो है शुरू हो गई है। किरोड़ी लाल मेड़ा अभी जुड़े थे, उन्होंने कहा कि जब इससे पूछताछ होगी तो कुछ बड़े खुलासे वो भी करेंगे, और उन्होंने कहा कि इसमें बत्तीलाल तो मोहरा है, कुछ और बड़े नाम भी इसमें सामने आ सकते हैं पूछताछ में। देखिए, सियासत की जहां तक बात है, जब शुरुआती तौर पे ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, एक के बाद एक सोशल मीडिया पे जो फोटोज थे वो वायरल हुए, और तरह तरह के खुलासे की बात जो राज्यसभा सांसद है उनकी तरफ से की गई थी, और इन सब के बाद में लगातार जब प्रश्न खड़े हुए तो एसओजी की एडीजी की तरफ से स्पष्ट कहा गया था, और यहाँ तक कि सीएम अशोक गहलोत ने भी कहा था कि अगर किसी व्यक्ति के पास में, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े व्यक्ति के पास में या आम नागरिक के पास में इस कथित परीक्षा पेपर लीक से जुड़े जो तमाम तथ्य हैं, वो एसओजी मुख्यालय पहुंचकर उनको सुपुर्द कर सकता है, यानी कि किसी पे कोई बंदिश नहीं है। अब किस तरह की जानकारी किरोड़ी लाल मीणा के पास है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समय समय पर बता चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक बात की तरफ इशारा किया था कि उस समय आने पर इशारा करेंगे। लेकिन जहां तक एसओजी की कार्रवाई की बात है, लगातार एसओजी की अलग अलग टीमें बत्तीलाल को लेकर और जो फरार इसमें एक एक करके नाम सामने हैं उनकी गिरफ्तारियों को लेकर दबिश दे रही थी। 14 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी थी, इसके